मेरे को सौरभ का रात को फोन आया था, वो बोला गाड़ी ठुक गई है मारुति 800। बोला क्या? मैंने इमेजिन नहीं किया था कि वो गाड़ी उससे कभी ठुकेगी। वो बहुत केयरफुली चलाता है वैसे, बट अभी देखता हूँ कैसा एक्सीडेंट हुआ है और क्या क्या उसका नुकसान हुआ है। अरे कितने पैनल घसा दिए तूने, टू व्हीलर ने ठोका इसीलिए इतना डैमेज हुआ है। फोर व्हीलर इतना जोर से ठोका रहे, ये क्या है? थोड़ा अंदर थोड़ा पिलर को बेंड कर दे, पिलर भी तो मजबूत रहता है ना। कौन सी बाइक था उसके पास? प्लांटिना। प्लांटिना ये तो रिपेयर कर लेंगे, ये सब बम्पर तो चेंज ही करना पड़ेगा। क्या वो ठोक दिया गाड़ी? एक्सीडेंट हुआ। ठीक है गणेश, देख इसके पार्ट्स का लिस्ट बना। क्या क्या लगेगा बता दो। फेंडर, फ्रंट ग्लास, फ्रंट बम्पर, हेडलाइट, हेडलाइट का साइड वाला इंडिकेटर, फेंडर इंडिकेटर, एक वो लिप डाल देंगे हैंडल। अच्छा सुनो ना, हल्का सा ना लेफ्ट में रह रहा है स्टेयरिंग। अभी क्या है, यहाँ पे जो इम्पैक्ट हुआ है मे बी ये थोड़ा सा बेंड वगैरह हो चुका है, देखना पड़ेगा। ये तो पीछे लेते हुए सामान पीछे से नहीं ठुके अभी तक? वो मैं कर दूं क्या? नहीं नहीं प्लीज, अभी तक कान भाई ने देखा नहीं। मैं तो अभी मेरा वही टेंशन चल रहा है, वो देखेंगे वो क्या बोलेंगे। मैं कल थाने से आ रहा था और साथ में विस्की था और मेरी वाइफ थी, और एक स्विगी वाला सामने से ओवरटेक करने के चक्कर में मुझसे आकर भिड़ गया और मेरी गाड़ी डैमेज हो गई है बहुत। वो बंदा ठीक है, एकदम अच्छी कंडीशन में। पहले हमने फर्स्ट प्रायोरिटी उसको अस्पताल में पहुंचाया और फिर बाद में गाड़ी अभी हम देख रहे हैं। डैश कैम लगवा लो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा सबक मैंने सीखा, डैश कैम होना ही चाहिए इंडिया में। ट्रायल को रिवर्स कैसे लोगे देखो तुम? चला के ले गए ना वहाँ से? हाँ मैं बॉम्बे से चला के लाया हूँ, चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस तुम एक बार ट्रायल कर लो। डायमंड का मार लगा है, पुलिंग तो हो रहा है थोड़ा। पहले ये सस्पेंशन में आवाज था क्या जब गया थी? नहीं ऐसे नहीं आती आवाज जब सस्पेंशन यूज होता है ना, जब होता ना तभी। A few moments later. दो चार गालियां तो सुनेगा ही, तो क्या ही कर सकते। पापा आज सुबह क्या किया? ऐसे प्रसाद लिए तो ऐसे खड़े होकर देखने लगे। मैं कहा नमन और ले ले, पापा देख रहे हैं। कहते नहीं नहीं वो नहीं देख रहा मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कैसे आजकल गाड़ी चला के ठोक आते इधर उधर। मैं कहा अभी कुछ दिन तो ये तरह चलेगा जब तक ठीक नहीं हो जाएगी वापस। और ये क्यों हुआ पता है? बम्पर काला कराया तूने? अभी तो सब कुछ ही सुनना पड़ेगा। पहले गया था ना, इतने लोगों ने तारीफ की मेरी, इतने लोगों ने तारीफ की, नजर लगी है, नजर लग गई। ठुकने के बाद भी एक तारीफ कर रहा था, सोचो क्या ठोका आपने। वैसा नहीं यार, क्या ठोकते हो? गाड़ी का वीडियो कब आएगा ऐसे पूछ रहा था। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, बात करो बात करो वापस बात करो। जा कानवे को दिखा तो देख, कितने साल की सजा होगी? 7 करोड़ साल। जा कानवे को गाड़ी तो और गालियां यार। नहीं नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा, कोई ना, होता रहता है ये सब यार। ना बुरा लग रहा है। अरे तो बम्पर ही गायब ही हो गया यहाँ से, बम्पर ही टारगेट था शायद। वाओ क्या ठोका है सर। वेरी नाइस। ए पिलर पे भी, ए दरवाजा भी बेंड है। डोर, फेंडर, ये पिलर। भाई बाइक वाले नहीं मारा है तेरे को? या नहीं, बाइक वाले नहीं मारा है। आया कहाँ से? सामने से, और ओवरटेक कर रहा था किसी और गाड़ी को, मेरे सामने आ गया साइड में। पीछे से आके सामने से आ रहा था, यहाँ से ऐसा गाड़ी को ओवरटेक किया, ये सामने था, डिवाइडर नहीं था पीछे, ऐसे स्किट मारा, यहाँ टकराया, किस्मत खराब है, रेयर सेक्शन इधर टकराया और गाड़ी ऐसे ऊपर गिर गई। कोई बात, होता रहता है। डैश कैम 100% लगाना चाहिए, कंपलसरी। कुछ और हो ना हो डैश कैम लगा रहना चाहिए। ये है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, रोड पे 100% ध्यान रखने और ग्रांटेड नहीं लेके चलने। ये तो है यार, पर अच्छा खासा ठोका है भाई। ये अंदर था सुबह, ये भी लड़कों ने बाहर ले लिया। पर पेंट की बॉन्डिंग देखना राजो। हाँ पेंट की बॉन्डिंग कहाँ से कराया? बड़ा अच्छा पेंट है हमारी वर्कशॉप, पीछे स्टिकर लगा हुआ है। ये हमने वाइजर चेंज किया था कुछ टाइम पहले, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, फ्यूइक का वाइजर है,
बट आवाज कर रहा था क्योंकि लंबा था ना, ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था, जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता था टर पूरा हिलता था, इस वजह से मेरा बाइक चलाने का मन ही नहीं हो रहा। अगर तूने बंद कर दी ना आवाज, आज तेरे को पप्पी दूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, बाप रे, वापिस निकाल दो आवाज चालू। विस्की वाला पप्पी, मैं सोच रहा हूँ कानों पे रोल्स रॉयस से पहले ये लूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ तेरे को पहले मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा हूँ। अब टेस्ट पैड लेके वापिस आ रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे अच्छा, वापस आओ। दोनों एक ही थाली पे हो मालूम है? ये कैसा सवाल है? टेस्ट ड्राइव करके वापस आ रहे हो, कहाँ जाऊंगा मैं बताइयो जरा। क्यों जाऊंगा जब इसका टेस्टिंग चल रहा है? पता चल गया आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, स्माइल दिख रही है चेहरे पे। प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। हां यस, व्हाट इज या कितने महीने से चला नहीं रहा था मालूम है, वो आवाज की वजह से। तो हमारे आईटी गाय जो कि हमारे अकूस्टिक एक्सपर्ट भी बन चुके हैं, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी गाड़ियों की साउंड डैम्पिंग सौरभ किया करेंगे। अरे बाप रे, जिम्मेदारी का काम ना। सौरभ बहुत जिम्मेदार आदमी है, मारुति ठोकने के लिए यही जिम्मेदार है। कैसे? नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही। नहीं आ रही ना यार, ये कैसा प्रैंक है? जैसी चाहिए थी वैसी है अभी भाई। How was your experience at Brotomotive? बहुत ही बढ़िया। Our IT guy is now our sound damping guy. चलो बढ़िया, perfect. कर क्या रहे हो तुम? कैमरा उठा, चल मेमोरी कार्ड डाल लेना, बैटरी डाल लेना। तो आ रहे सब गर्मी में, पुणे में 40 डिग्री हुआ हुआ है टेम्परेचर। इधर आइए। ये क्या किया हाथ में? देख, छिल दिया कार्ड भी आपको। ऐसे से कर रहा था मैं। उसने कहा मेरी बारी। सुस्ता रहे तुम गर्मी में है तोंदू पेटू। क्या करना है मैं तेरे को भी बताता हूँ। अपने को डॉक्यूमेंटेशन के लिए पर्टिकुलर जगहों के या सर्विसेज के अपने को फोटोज अच्छे से लेनी है। उस फोटो में डिपिक्ट होनी चाहिए कि जगह कैसी दिखेगी। जैसे तूने देखा होगा कहीं पैम्पलेट्स वगैरह में छपती है, तो कैसे छपती है ना, तो इसमें क्या देख, तेरे को ऑफिस स्पेस डिफाइन हो रही है, सामान रखने की जगह है, लोग बैठे हैं, कस्टमर हैंडल हो रहे हैं, ऐसा टाइप। ठीक है, अपने को ऐसी फोटोज चाहिए जो उसको डिपिक्ट कर सके। अभी बंद कर लाइट, नीचे चल, एक एक करके लेते हुए चलते हैं, फिर तू ले लेना। तो अभी जैसे मैंने तेरे को समझाया, फोटो सारी वैसे वैसे ले। कहीं पे कोई डाउट हो रहा तो मेरे को बता, मैं साथ ही रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। मेन अपना आइडिया ये है कि जो हम फ्रेंचाइज मॉडल में घुस रहे हो, जो भी वो फ्रेंचाइज खोलेगा, ब्रोशर जाएगा ना फाइनल करने के लिए कि ये जगह ऐसी दिखनी चाहिए या ऐसी होती है। चालू कर जो मैंने लिस्ट दी थी, एक 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 करके कवर करता जा, इधर उधर भागना मत। मैंने रैंडमली जो जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था मैंने सब इधर उधर दे दी, तो एक एक करके शुरू से एंड तक पूरा चलता जा। ठीक है, लिस्ट देख ले पूरा अच्छे से। मैंने लिस्ट बनाई है हमारे वर्कशॉप में जो भी जगहें हैं, चीजें हैं या एमिनिटीज हैं या जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, उन सब की अपने को फोटोग्राफ्स चाहिए क्योंकि हम फ्रेंचाइज मॉडल प्लान कर रहे हैं। अभी अभी सारा बिजनेस प्लान वगैरह बन रहा है, स्टडी चल रही है, क्या क्या इक्विपमेंट लिस्ट और मटेरियल लगेगा, वो सब चीजें। तो उसके लिए हमें ब्रोशर्स बनाने हैं, और उन ब्रोशर्स को बनाने के लिए हमें फोटोग्राफ्स चाहिए जो हमारी वर्कशॉप को या फिर हमारी वर्कशॉप जो रेप्लीकेट होनी है उसको डिफाइन कर सके। क्योंकि कोई भी अगर इंटरेस्टेड कस्टमर रहेगा, आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, आप ब्रोशर्स वगैरह देखना चाहोगे, उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना चाहोगे, तो ये फ्रेंचाइज जो है ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट ही है। एंड जब भी कोई इसमें इंटरेस्ट शो करेगा तो उसको ब्रोशर दिया जाएगा ताकि उसको हमारी वर्कशॉप के बारे में एक बेटर इमेजिबिलिटी मिले और वो समझ पाए कि हाँ ये जगहें क्या होती हैं, एग्जैक्टली क्या चीजें होती हैं। आई समझा ना? पहले कभी हुआ है ऐसा कुछ? आज तक नहीं हुआ, 24 साल के एज में उसका आज तक एक एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये पहला एक्सीडेंट है, माइनर है। एक राइट हैंड में बोनेट कांच और फेंडर गया बोल रहा है वो। माइनर नहीं, मेजर है। मेजर है? ज़ूम नहीं होता इसमें असल फ्रंट कैमरा। क्यों किया तूने ऐसा?
व्हीलर वाले ने ठोका किसने? स्विगी वाले ने ठोका है। एक काम करो, सब लास्ट में वीडियो देख लो, सबको पता चल गया। भाई बोल रहा हूं वीडियो मैच कितने लोग, सब लोग आके वही पूछ रहे कैसे ढोका कैसे ढोका। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कहते, उसका पिकअप ज्यादा अच्छा है। लोग तो ठोक रहे हैं मारुति। कौन चला रहा था यार मारुति ठोक दिया। पर मैंने इतने टॉन्ट सुने जिंदगी में पापा के, तो तेरा तो बनता है अभी। आज हमारी वर्कशॉप में आई है ये मारुति 800 सौरभ ठोक के लाया है। सौरभ से ठोक गई है यार, ठोक के लाया है। अभी तो निकली थी वर्कशॉप से। अरे यार पूरी परफेक्ट हुई थी, कानवे सब सेट हो गया था। जिसके हाथ में गए वो परफेक्ट नहीं है ना, शॉट बचा था। ये साइड अंदर रख के वो साइड पूरी अच्छी है। हां हां बढ़िया, सच्ची कानवे। हां हां बिल्कुल सही बात। ये क्या कहते हैं अपना रोल्स रॉयस आने से पहले एक निंजा ले ले गया अपन पहले। मेरे रोल्स रॉयस का अपने को ये जमा करने का है डाउन पेमेंट। बिल्लू 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 मेरा बिल्लू कंफर्टेबल हो गया। देखा बिल्लू अपने बच्चे को लेकर बैठा खेल रहे। बेबी ए खाने का नहीं, वो बेबी हमारा, वो बेबी हाँ।